सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। प्रयागराज शहर के स्लम एरिया के गरीब बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे जानकर आप भी इन बच्चों की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। स्लम एरिया के 34 गरीब बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के विकास के स्टार्टअप विकास मॉडल को सरकार के इस मॉडल को साकार करने में जुटे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रतियोगी छात्र निशुल्क चला रहा है स्कूल, खुद के सपनों को छोड़ सवारी बच्चों की जिंदगी। गली स्कूल में तैयार हो रहे नन्हे वैज्ञानिक। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। कहने का मतलब है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हौसला का होना जरूरी होता है, और जब मन में विश्वास और हौसला होता है तो इंसान जीवन की हर मुसीबत को पार कर अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है और दूसरों को भी उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता रहता है। जी हाँ, प्रयागराज शहर के स्लम एरिया के गरीब बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे जानकर आप भी इन बच्चों की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। स्लम एरिया के 34 गरीब बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के विकास के स्टार्टअप विकास मॉडल को साकार करने में जुटे हैं। झुग्गी झोपड़ी के इन बच्चों ने एक दर्जन से अधिक लोकल स्टार्टअप शुरू कर लोगों को चौंका भी दिया है। हमने इसलिए कूलर बनाया है कि हमको रात में हमारे घरों में न छत है न ही पंखे फैन वगैरह है, इसलिए हमने क्यों न सोचा जो सर हमको साइंस पढ़ाते हैं वो क्यों न हम एक कूलर बना कर देखें। और हमारा सपना ये है जो नौकरी के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं, देने वाला बनना, लेने वाला नौकरी नहीं बनना है। स्लम एरिया के ये बच्चे कोई नौकरी हासिल करने के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने के लिए अपने अपने स्टार्टअप के जरिए कामयाबी की डगर पर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही सबसे खास बात ये है कि ये 34 बच्चे अपने ही एरिया के 270 बच्चों को शिक्षा भी देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित कीड़गंज इलाके में बना ये गली स्कूल झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इन बच्चों के सपनों को पूरा करने के काम कर रहा है, और जौनपुर के रहने वाले विवेक दुबे ने इस स्कूल को शुरू किया है। तो अब ये जो साइंस का प्रोजेक्ट इन बच्चों ने बनाया है, ये देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है डिजिटल इंडिया स्टार्टअप के तहत, तो इसी के अंतर्गत ये कार्य से प्रोजेक्ट से तो इनके अंदर साइंस के प्रति रुझान तो बढ़ ही रहा है। ये साइंस को समझ ही रहे हैं अच्छे तरीके से, उसको एप्लीकेशन कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि ये लोग डिजिटल इंडिया स्टार्टअप खास करके कि ये को कहीं सरकारी नौकरी और इस तरह की नौकरी में न जाएं, उसके बजाय अपना खुद का कुछ क्रिएट करें, कुछ बनाएं, जिसके तहत तो प्रधानमंत्री जी हेल्प भी करते हैं। तो ये बच्चे इस स्टार्टअप को आगे ले जाने में, इनके अंदर वो भावना लाने में वो एक कदम है कि अब इसको समझें। और कई बच्चों का कहना भी है कि अब हम आगे चलकर हम कूलर की कंपनी खोलना चाहते हैं, हम कूलर बनाना चाहते हैं। कई बच्चों का कहना है कि हम सोलर लाइट की कंपनी खोलना चाहते हैं, हम सोलर सेल में जाना चाहते हैं। कई का कहना है कि पंखे की खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं। तो ये एक वो भावना, एक इनके अंदर का वो वैज्ञानिक जागृत करने का प्रयास है जो आगे चल के स्टार्टअप के सहारे आगे बढ़ जाए, अपने परिवार और अपने देश का नाम रोशन करें। किसान परिवार के बेटे होते हुए भी विवेक अपने सपनों को छोड़कर इन बच्चों का जीवन सवार रहे हैं। साथ ही झुग्गी झोपड़ी और बस्तियों में रहने वाले बच्चे पढ़ाई कराने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल स्टार्टअप की इबारत लिख रहे हैं। बता दें कि इस गली स्कूल में पढ़ने वाली बच्चों के माता पिता
कबार बिनने या मजदूरी करने का काम करते हैं। आर्थिक तंगी के चलते इन बस्तियों में रहने वाले ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और कई बार बस्तियों में रहने वाले बच्चों के माता पिता इन्हें पढ़ाना भी नहीं चाहते और काम पर लगाकर पैसे कमाने भेजते हैं। सर, मेरा नाम प्रीति है, मैं इसी झुग्गी झोपड़ी में रहती हूँ और कक्षा 9 से सर हम लोग को पढ़ाए हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम विश्वविद्यालय तक पहुँचेंगे, लेकिन आज हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं और सर की मेहनत से और खुद की मेहनत से हम विश्वविद्यालय तक पहुँचे हैं। और हमारी सोच है कि हम यहाँ से निकले और बस्ती में और भी बच्चे ऐसे ही हमारे साथ निकले, हम लोग इस सिचुएशन को हट के अपनी सिचुएशन को अच्छी करना चाहिए। तो वही विवेक के पिता एक किसान हैं और खेती से उनके पूरे परिवार का खर्चा चलता है। उनके पिता बेटे को पढ़ा लिखा कर कामयाब इंसान बनाना चाहते थे, इसीलिए विवेक को प्रयागराज पढ़ने के लिए भेजा। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सड़क किनारे छोटे बच्चों को काम करते देख विवेक के सपनों की मंजिल बदल गई। विवेक इस बस्ती को अच्छा करने की कवायद में जुटे हैं। 34 बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यही नहीं, इन बच्चों ने तकनीकी रूप से भी अपने आप को मजबूत कर लिया है। गली के स्कूल में 11 नन्हे वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने कबार के सामान से कूलर, टेबल फैन, गोबर गैस प्लांट, सब्जी कटर, सोलर लैम्प जैसी रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले सामानों को बनाया है। इसी झोपर पट्टी में रहने वाले बादल ने अंधेरे में पढ़ने के लिए अपनी एक सोलर लाइट बनाई है, ताकि लाइट ना आने पर भी वो पढ़ाई कर सके। बता दे कि ये स्कूल कोई सरकारी नहीं बल्कि एक प्रतियोगी छात्र विवेक दुबे निशुल्क चला रहा है। पास के ही ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज से विज्ञान से स्नातक करने के बाद विवेक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमएससी की पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा है और अपने बचे वक्त में स्लम के इन बच्चों के लिए यहाँ गली स्कूल चलाकर इन बच्चों को स्किल और साइंस की जानकारी और उसके प्रैक्टिकल भी करा रहा है। तो आपने देखा किस तरह से स्लम में पले बड़े बच्चे अब साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं, नन्हे मुन्ने वैज्ञानिक बन रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।